ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को संसार की उस दुर्लभ शक्ति के विषय में बताएंगे, जो शक्ति देवी देवताओं को भी विवश कर देती है काम करने के लिए। वो शक्ति जो नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा देती है, वो शक्ति जो मजबूर कर देती है प्रेत जिन मसान को भी काम करने के लिए, वो शक्ति जो देवी देवता से लेके प्रेत जिन मसान को भी काबू में रखती है। इस शक्ति के विषय में विस्तार से बताएंगे। आप लोगों ने बहुत जगह बहुत दरबार देखे होंगे, जहां मसानी काम कर रही है, काली काम कर रहे हैं, भैरव काम कर रहे हैं, मसान काम कर रहे हैं, जिन काम कर रहे हैं, ब्रह्म बाबा काम कर रहे हैं, देवी देवता काम कर रहे हैं, और एक भगत उन्हें आदेश देता है कि माता रानी, ब्रह्म बाबा या भैरव बाबा या मसान, जाओ ये काम करो। और वो लोग उसकी बात मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके पास एक दुर्लभ शक्ति है। आज हम उसी शक्ति के विषय में बताएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो देवी के भगत हैं वो देवी से काम करा लेते हैं, जो मसानी के भगत हैं वो मसानियों से काम करा लेते हैं, जो मसान पूजे हैं वो मसान से काम करा लेते हैं, सही भी कराते हैं, गलत भी करा लेते हैं। आखिर वो लोग ये शक्तियां क्यों विवश हो जाती हैं काम करने के लिए? ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के आगे ये लोग विवश हो जाते हैं और काम करने को तैयार हो जाते हैं? उस दुर्लभ शक्ति का नाम है इच्छा शक्ति। नियम कहा जाता है कि रात में चार पहर होते हैं, एक 6 से 9 शाम का, फिर 9 से 12, 12 से 3 और 3 से सुबह 6। तो जो पहला पहर होता है 6 से 9, इसमें समस्त संसार जगता है। जो दूसरा पहर होता है 9 से 12, इसमें भोगी जागते हैं। बहुत सारे लोगों का परिवार होता है, नौकरी पानी करके आते हैं, 9 बजे के बाद खाना खाते हैं, जागते हैं। बहुत सारे लोग विवाहित हैं, आपसी संबंध भी बनाना होता है, इसमें भोगी जागते हैं। परिवार के विषय में बात करना होता है, तैयारी करनी होती है, राशन पानी, देश दुनिया, मित्र यार, इनसे बात करना होता है। तो 9 से 12 भोगी जगते हैं, 12 से 3 चोर जगते हैं। जब संसार और भोगी सो जाता है तब 12 से 3 के बीच में चोर जगते हैं, और 3 से लेकर सुबह 6 एक जोगी अर्थात योगी जगते हैं। यही वो समय है जब आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हो। अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है, ढीला शरीर आराम से बैठ जाना है, मन को नियंत्रित करना है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है, और अपने आराध्य का नाम सांसों की माला के रूप में जपना है। आवाज ना निकले, ऐसे बैठ जाइए। यकीन मानिए, मात्र 1 महीने में ही आपको अपने अंदर दिव्यता नजर आएगी। यदि इसके साथ आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो और गर्म पानी पीते हो, पूरा दिन आप अपने आराध्य का नाम जपते हो, तो यकीन मानिए आप इतने शक्तिशाली बन जाओगे कि किसी के ऊपर भूत प्रेत देवी देवता भी आया है तो आप उसको डांट सकते हो। आप बिना साधना के सिर्फ योग प्राणायाम, गर्म पानी, लहसुन प्याज का त्याग, सिर्फ इतना करके, न दिया जलाना है, न माला फेरना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सुबह जल्दी उठना है, सांसों के माध्यम से प्राणायाम करके अपने आराध्य के मंत्रों का जाप करें, उन्हें याद करें, दिन भर अपने आराध्य को याद करें, कोई भी काम कर रहे हो
नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सांसों में उनको जोड़ लो तो आपके आराध्य सिद्ध हो जाते हैं। इसकी ऊर्जा बहुत भयंकर होती है, चेहरे पे चमक आ जाती है, चमकने लगता है चेहरा बगैर फिल्टर लगाए। तो समझ लीजिए 6 बजे से 9 बजे तक संसार जगता है, शाम को 9 बजे के बाद लोभी और भोगी जागते हैं 9 से 12, 12 से 3 चोर जागते हैं, और सुबह 3 बजे के बाद ही जोगी योगी जागते हैं। रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए, नियम बना ले, आपके जीवन में इसका परिवर्तन नजर आ जाएगा। और अपने आराध्य का नाम लेते रहें। कहा गया है हिम्मत न हिरासियो बिसारियो न राम को, परिवर्तन आ जाएगा। सिर्फ इतना कर लें। और जब इस इच्छा शक्ति को आप लोग गुरुवासिनी की शक्ति से जोड़ देते हो, तब कोई भी सवारी सामने आए, देवी की आए, देवता की आए, आसुर मेत्रानी की आए, किसी का भी, आप गद्दी नहीं छोड़ सकते, वो शक्ति खुद सजदा करके जाएगी। क्योंकि कोई भी शक्ति हो, इच्छा शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छा शक्ति से देवी देवताओं को भी विवश कर देते हैं। तो इच्छा शक्ति जितना आप बढ़ाओगे, उतना ही आप मजबूत और शक्तिशाली होते जाओगे। तो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, नियम से रहिए, प्रेम से रहिए, अपने आराध्य का नाम जपते रहिए। ये कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष महिला बच्चे, कोई भी। जीवन में 100% बदलाव और चमत्कार होगा ही होगा, पक्की बात है। इसे करके देखिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।